बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का राशिफल, आज का यानी कि 11/6/2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूज़र आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में है, RJMISHR8666। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास से व्हाट्सएप नंबर 7062757996, जिसमें मिनिमम चार्ज यानी सबसे कम जो आपको पे करना होगा वो मात्र 300 रुपये पे करना होगा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्रसाद बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो आइए शुरू करता हूँ। आज की सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि। आज कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है, नौकरी बदलने का मन बन सकता है, सैलरी बढ़ सकती है या किसी और तरीके से आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी के रिश्ते आदि के ऑफर पर सहमति मिल सकती है, आपकी सकारात्मकता बढ़ सकती है, कागजी काम चुनौतीपूर्ण लग सकती है। इंटरव्यू, सौदे, दलाली और कमीशन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। दूसरों के साथ अनबन या विवाद होने की संभावना है। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोग तनाव में आ सकते हैं। आज आपके लिए उपाय ये है कि कुमकुम का तिलक आज आप लगाएं। मेष के बाद अब बात आती है वृषभ राशि की। आपकी भावनात्मक परेशानियां खत्म हो सकती है, करियर के लिए जिससे मदद की जरूरत होगी मिल जाएगी। पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर लें। सामाजिक मेल मिलाप के कुछ रोचक मौके मिल सकते हैं। प्रेमी के साथ अनबन की स्थिति में अपना व्यवहार शांत और सकारात्मक रखना होगा, सब ठीक रहेगा। जरूरी कामों की सूची बनाकर निपटाएं, व्यस्तता रहेगी। चंद्रमा गोचर कुंडली के चौथे भाव में रहेगा, इसलिए आज संबंधों और सुविधाओं को लेकर के मन में संदेह रहेगा। आज आपके लिए उपाय यह है कि सफ़ेद फूल अपने पास हमेशा रखें। वृष के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आज चंद्रमा गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होने से आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा, पार्टनर से फायदा मिल सकता है। कुछ नया काम करें, आपको फायदा होगा, मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे। भाइयों और दोस्तों की मदद से आपके खास काम पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में कोई नया काम भी आपको मिल सकता है। छिटपुट अनबन या विवाद होने की संभावना है। बीती बातों को जितना खींचोगे उतने ही परेशान हो जाओगे। पुराने मामले सुलझ सकते हैं, पहल आपको ही करनी होगी। परिवार में खर्चा बढ़ सकता है। आज आपके लिए उपाय यह है कि पान पर धनिया रखकर नदी में बहा दें तो आज के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा। मिथुन के बाद अब बात आती है कर्क राशि की। चंद्रमा गोचर कुंडली के धन भाव में रहेगा, जिससे धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई नई और महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। ऑफिस में वह काम आपको मिल सकता है जिसके लिए आप उत्सुक थे। आज आप अपनी वाणी से काम पूरे करवा लेंगे, न्याय संगत बातें करेंगे, पुरानी मेहनत रंग लाएगी। परिवार और बिजनेस के मामलों में सहजता और सरलता रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। किसी से कहा सुनी हो सकती है, किसी दोस्त की पुरानी समस्या सुलझाने में आप स्वयं भी उलझ सकते हैं। आज आपके लिए उपाय यह है कि पानी की टंकी में एक सिक्का डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क के बाद अब बात आती है सिंह राशि की। आपका आकर्षण बढ़ सकता है, पूरी ताकत और मन से काम करेंगे तो आपका फायदा होगा। एक्स्ट्रा इनकम के अच्छे और नए मौके मिल सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, अचानक फायदा होने के योग बन रहे हैं। कोई जोखिम भरा काम शुरू कर सकते हैं, इसमें सफलता मिल सकती है, सुख मिलेगा, दोस्तों के साथ मन की बातें शेयर कर सकते हैं, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। आज दूसरों की बातों और कामों में दखल देना से बचना होगा। आज आपके लिए उपाय यह है किसी मंदिर में तांबे का दीपक अगर दान कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का आज का दिन, आज आप अपनी परेशानी किसी से शेयर कर सकते हैं। हर तरह के
मामलों में, हर तरह के मामलों में मन शांत रहेगा, फिर भी कोई फैसला आप लेंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, अपनों का साथ मिलने से आप खुश हो जाएंगे, बिजनेस या जॉब के लिए यात्रा हो सकती है, निजी जीवन के कुछ विवाद भी सुलझ सकते हैं। आपकी राशि से 12वीं राशि में चंद्रमा होने से कुछ परेशानी हो सकती है, पुराने प्यार से मुलाकात हो सकती है। आज आपके लिए उपाय यह है कि किन्नर को आज अगर आप पान खिला देते हैं तो अच्छा रहेगा। कन्या के बाद अब बात आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आज चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में होने से ज़्यादा मामलों में दिन अच्छा रहेगा। आपकी तारीफ होगी, कोई पुरस्कार आपको मिल सकता है, किए गए कामों का फायदा भी मिलेगा। समय फेवर में होने के कारण आप खुश रहेंगे, ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा धन लाभ हो सकता है। मदद या सलाह के लिए कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों और भाइयों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। रोमांस के लिहाज से भी अच्छा समय है, बिना सोचे समझे बोलेंगे तो आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। अपोजिट जेंडर आज उपाय आपके लिए क्या है कि अपोजिट जेंडर वालों को डियो या परफ्यूम गिफ्ट में दे दें। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए आपको बताता हूँ। आज आपको नौकरी या बिजनेस में एक से ज़्यादा फायदे के मौके मिल सकते हैं। आपके कामकाज की गति तेज हो सकती है। अपने शौक पूरे करने हैं तो कर ले, अपने शौक पूरे करने हैं तो कर ले, मेहनत से भी काम पूरे हो जाएंगे। पिता से सहयोग मिलेगा, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो किस्मत आपके फेवर में हो सकती है। कुछ बिजनेस करने वाले लोगों की इनकम बढ़ सकती है। वाहन या मकान खरीदने का मन बना सकते हो। आज जो भी काम हाथ में है उसे निपटाने में समय भी ज़्यादा लगेगा। पुराना परिचित जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेगा। आज आपके लिए उपाय यह है कि चाकू या किसी औजार पर लाल धागा बांध दें। वृश्चिक के बाद बात आती है धनु राशि की। चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य भाव में रहेगा। आज धन लाभ की उम्मीद है, पैसा तो आएगा ही, पैसा तो आएगा ही, काम की बात भी होगी, अचानक कोई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। दिन अच्छा रहेगा, आप जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, कोशिश करेंगे तो उम्मीद से ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। आपका अपना मन शांत रखें, आपको नए अनुभव हो सकते हैं, कामकाज में आनंद आएगा, भावनात्मक संतुलन भी बना रहेगा, माता पिता और भाई बहनों से मदद भी मिल सकती है। आज आपके लिए उपाय यह है कि मंदिर के पुजारी या किसी ब्राह्मण के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे तो आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। धनु के बाद अब बात आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए आपको बताता हूँ। आज आप बिजनेस में अच्छी तरह सोच विचार कर फैसले करें, दूसरों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, परिवार और दूसरों से भी आपको मदद मिल सकती है। अपना व्यवहार लचीला रखें, जरूरत पड़ने पर साथ के लोगों से सलाह लेने में संकोच ना करें। गोचर कुंडली का चंद्रमा 8वें भाव में होने से अचानक धनहानि हो सकती है, खर्चा बढ़ेगा, आसपास के लोगों से बहस हो सकती है, यात्रा के कार्यक्रमों पर अचानक फैसले लेने से बचें। आज उपाय यह है किसी बूढ़े इंसान की आज आप मदद जरूर करें। मकर के बाद बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन, जीवन साथी आपकी या जीवन साथी की पैसों की स्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है। आज आपको रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कामकाजी जीवन में प्रगति के कई मौके मिल सकते हैं। समस्याओं का समाधान मिलने से आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। विचार करके कोई नई योजना बनाएंगे तो पैसों के लिहाज से बड़ा फायदा होगा। चंद्रमा की स्थिति से दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विवाद न करें, मामला सुलझाने का प्रयास करें। आज आपके लिए उपाय यह है किसी गरीब को चप्पल या जूते दान में दे दें। कुंभ के बाद अब बात आती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। आज बिजनेस सौदे सोच समझ कर करेंगे। अधिकारियों और लोगों से महत्वपूर्ण मामलों में बातचीत होगी। किसी की मदद से अच्छा फायदा हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेंगी। भावनात्मक संतुलन और शांति रखें। दुश्मन खुद की गलतियों कारण ही आपसे हार जाएंगे। आप बिजी रहेंगे, किसी से बातचीत में बहस हो सकती है। पार्टनर के साथ संबंधों के कुछ मामले में कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। आज आपके लिए उपाय यह है किसी मंदिर के शिखर का
दर्शन करेंगे तो आपके लिए तो आज जय जय रहेगा। तो दोस्तों यही थी आज की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर आप वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।